हे चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। तो सबसे पहले एड्रेस करते कि जी हाँ, मैंने अपने बाल काट लिए हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टू मच मच मच, जो कि एक रोस्ट था। और सबसे पहले आपको सबको थैंक यू, क्योंकि वो वीडियो अब तक का मेरा सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो बना है मेरे चैनल पे। और लेकिन उसके साथ साथ गाइस, उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट भी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ हेट कमेंट्स पढ़े जाए। यार, लोगों ने बहुत सारे हेट कमेंट्स किए इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा DMs आए, तो उनमें से कुछ आज पढ़ते हैं। लेकिन बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट्स रीच 500 सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑल्सो लेट मी क्लैरिफाई कि ये वीडियो में मैं उनके नाम नहीं दिखाने वाला जिन्होंने कमेंट किया है, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा क्यूरियस हो तो जाके वीडियो में देख सकते हो किसने क्या क्या कमेंट किया है। और जिन लोगों ने वीडियो अब तक नहीं देखी है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिंक कर दिया है, तो जाइए वीडियो देखिए और वापस आइए ये वीडियो देखने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कमेंट। भैया, दीदी का दिमाग इतना सा है तो तुम्हारा कितना है? ए, आई डोंट लाइक किंकी कॉमेंट्स, आप प्लीज ऐसा मत करो। आप बोलते हाय हेट नहीं है तो ऑस्लो रोस्ट भी नहीं बोलते। भैया देखो, फिलहाल दुनिया संकट में है, तो ये ऑस्लो का प्लान बाद में बनाना, ठीक है? अभी मेरे को परेशान नहीं करने का। पूजा धात्रक, वी बॉयज टू बाय योर साइडी, डोंट लुक एट दिस स्टूपिड पीपल, यू आर बेस्ट एट योर वे आई, एंड कंटिन्यू वॉट यू डू, एंड आई ऑल्सो सॉ द एसेस ऑन योर इंस्टा, एसे लोआग के नाद को मैथ लग, यू आर बेस्ट अबड़, यू मे नो हाउ आर एंड यू एंड हाउ अरव यू, बिग फैन ऑफ यू मैम। यार तुम ही जज कर लो। पूजा, डोंट टेक एनी नेगेटिव वाइब्स आफ्टर दैट वीडियो ऑफ तेजस एंड इग्नोर दैट शिट, ओके, एंड टेल दैट गाय गेट सम लाइफ ब्रो, रोस्टिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, एंड वी डू सपोर्ट यू पूजा अस्के काउटन कर ब्रैकेट में ब्रदर। तो सबसे पहले भैया, ये वीडियो पे उनको मैसेज मत दो, वो ना ही ये कॉमेंट्स पढ़ती है ना ही खुद कॉमेंट करती है। ओळखलस का भावा? नहीं। काय येडे चाले करतोय, मुलांवर तरी कर अटलीस्ट रोस्ट। मुलांवर आणि तुझी फ्रेंड आहे ती आई थिंक। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं सबको ये बता दूं कि जो लोग भी बोल रहे कि लड़की को रोस्ट किया, लड़के को करना चाहिए था, शर्म नहीं आता क्या वगैरह वगैरह, उनके लिए ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट कंसेंचुअल रोस्ट था। कंसर्न से इसका कंसेंट लिया गया था कि रोस्ट करना है या नहीं। इनफैक्ट उनका मुझे सामने से मैसेज आया जब वीडियो बाहर निकला कि उनको वीडियो अच्छा लगा है, और कुछ घंटे बाद कंसेंट विड्रॉ किया गया। तो बेसिकली मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यार, अगर ये चीज़ कोई लड़की करती, किसी लड़के को रोस्ट करती, तो आप सब लोग उसको एम्पावर्ड बुलाते और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े शब्द बुलाते। आज के ज़माने की यही हालात है एक्चुअली। अगर लड़का कुछ गलत करता है या कुछ सही करता है, 100 चीज़ें करता है, तो उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर वो कुछ सिर्फ एक लड़की के खिलाफ बोल भी दे, तो यार उसको पूरे दुनिया भर से गाली मिलती है। हे भाई, तेर लो शर्म आना चाहिए, लड़की को रोस्ट करता है, गो गेट अ लाइफ ब्रो, एंड पूजा यू आर बेस्ट। अभी क्या बोला मैं? गाड़ो। मेरा भाई, तुझसे रोस्ट नहीं हो सकता, एंड इट वाज नथिंग लाइक टू रोस्ट अबाउट हर वीडियोस, एंड डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ ग्रेट यूट्यूबर एज कम्पेयर टू पूजा, गेट सम लाइफ एंड व्हाट इज सांग बुलानाथ लाइक सीरियसली। ये मूर्खा खुद भी मरेगा, मेरा चैनल भी बंद करवाएगा। तो ये वही लोग है जो बोल रहे हैं कि नए यूट्यूबर्स को डीमोटिवेट कर रहा है तू रोस्ट करके। गाइज, मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, अब तक एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ हेट डाइजेस्ट करने का, तो चलते बनो। हे तेजस एंड स्टफ, जो कोई ब्रो, आई हैव नॉट सीन रोस्ट ऑन एनी गर्ल दैट टू अ न्यू स्टार्ट, आई हैव सीन थोड़ा बहुत वीडियोस, शी इज मच बेटर देन यू, भाई मियाँ खलीफा पे बना रोस्ट, मजा आएगा देखने। भाई सबसे पहले तो इंग्लिश सीख ले, और एक तरफ तुम लड़की पे रोस्ट किया तो उसके अगेंस्ट, और दूसरी तरफ दूसरे लड़की को तुम खुद ही रोस्ट करने बोल रहे हो। पॉर्न स्टार है तो उसको लाइफ नहीं है क्या? गाड़ो। भाऊ मेजा है तुझी तर मौलिन चिपन, मजा उड़वायला लागला का, सही हा भाई सही, पुढचे टाइम ला दुसरा काय तर ये नाही रे, मजा नहीं
आ गया भाई तो भी देर चल ब्रैकेट पूजा ब्रैकेट क्लोज यू लुक क्यूट मैम हवस देख रहे हो लौंडे की काय भावा मुलीला रोस्ट करतो काय चुतिया है तू ते पण कुठले तरी न्यू यूट्यूबर ला भावा जाऊन झोप जा नाहीतर चॅनेल बंद कर काय कामाका नाही तसा पण ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर कॉमेंटिंग और ऑल्सो फक ऑफ यू शुड हॅव रोस्टेड अ पर्सन हु कॅन रोस्ट यू बॅक तब आता थोडूसा फन अँड हर कंटेंट इज गर्ली सो वाय दिस बोई इज फाइंडिंग फन एज इट गोज डिरेक्टली टू ऑल गर्ल्स हु डज लीक दॅट स्टफ मेक अ मॅन डाऊन सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल यू आर टॉकिंग अबाउट अग्रीड टू रोस्ट बॅक 3 months बॅक अँड लेटर शी डिनाइड नॉट माय प्रॉब्लेम पकाऊ व्हिडिओ है तेरा पहिली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नाही हिंदुस्तान को तेरी स्वतःवर व्हिडिओ बनवता जा भाई कशाला मुलींना रोस्ट करतोस तुझ्या व्हिडिओ बनवत जा जे काही असेल त्याच्या त्याने पण लाईक भेटतील सबस्क्रायबर्स पण वाढतील बाकी समजदार आहेस तू थँक्यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट अँड अगेन कन्सेन्शुअल था रुक बेठा तेरी फिल्म माह निकालने वाला हो तेरा ऊपर या तेरी मम्मी पर गाइज प्लीज टेल मी इस पे और उसकी मम्मी अबे हलवे तेरी ये कमेंट लोगों ने ना बहुत जोर से इग्नोर करी है तो उसके लिए ना तो गाइज इसके बाद बढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे जहां पे मुझे बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आए और डीएम्स भी आए लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये एक डीएम है जिसमें 8,500 पैराग्राफ्स लिखे गए हैं जो कि एक भड़की हुई दीदी ही कर सकती है सॉरी लेडीज नो ऑफेंस हे हाय हाउज यू हेटरेड गोइंग ऑन वेल लेट मी ऑलरेडी टेल यू दैट आई एम नोबडी आई कैपिटल I am nobody to tell anything to tell you about you, YouTube channel, videos, you, your family, your routine, or if you put makeup, or why you have butterflies on the wall behind you camera. Butterflies? Dream catcher bolte usko. Or why do you look like somebody who hasn't bathed for days or whatever? यार ऐसा सच सच नहीं बताते यार वीडियो पे आई जस्ट हैव दिस वन क्वेश्चन टू आस्क यू सो विल यू एवर डू दैट टू अवर एक्चुअल दीदी आई एम नॉट सपोर्टिंग पूजाज कंटेंट अपोस्ट्रोफी बट योर्स आई कैपिटल आई कुड मार्च डाउन टू टेक इट डाउन यू नो वाई बिकॉज पूजाज कंटेंट डजंट हार्म एनीबडी डजंट इंसल्ट एनीबडी और माइट नॉट इवन अफेक्ट द वन होल्डिंग द कैमरा You might know a person from school, college, or even you bloody life, but you don't attain rights to insult them. अब दीदी बताएंगी वो कितनी पढ़ी लिखी है. I am a mass media student. I agree to the policies of rivalry and competition and brands, but when it comes to creators, you create your own content, and when people like you do that, you take down people's content. Fun fact. मुझे कुछ हफ्ते पहले YouTube से एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एक क्रिएटर क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कि तुमने उनका कंटेंट कॉपी किया है पूरा वीडियो उसमें यूज करा गया है और बाकायदा मुझे पूरा एक पैराग्राफ लिख के आया था YouTube की तरफ से जिसमें मेंशन किया था कि वी आर नॉट टेकिंग योर वीडियो डाउन तो इज दैट हाउ यू एक्सप्लेन योर टैलेंट्स नो मैम वी शोकेस आवर टैलेंट्स Reason why I take I capital Pooja's side is not because I know her personally and nothing that you said it that damn roast video is right about her but there are millions of people out there who would look at your stupid body or whatever shaming video which was not and take a false impression how do you think this will ever be a bonus point to her career actually I don't think it's a penalty for her career either you might have talked to Pooja and taken consent and accepted the fact that you take up all the hate here I do not give you hate mister all that I give you is a pity face de of how drastically you failed in giving up some healthy content and most importantly not knowing the meaning of a healthy content making fun of somebody and insulting somebody on their lifestyle is two different things लेट मी क्लैरिफाई कि ये एक हेल्दी कंटेंट ही होने वाला था
अगर कंसेंट वीडियो आने के बाद विड्रॉ ना किया होता तो। गेट योर डिक्शनरी स्ट्रेट किड, इट्स हाई टाइम नाउ। तुम तो डिक्शनरी की बातें करो ही मत। यू ओ डायरेक्ट अपॉलॉजी टू पूजा धात्रक। आई एम श्योर हर पेरेंट्स वुड टेक दिस एज लाइटली एज यू गेव द आउट्रो। अगेन नो नीड ऑफ इट राइट, बिकॉज वी आर एडल्ट्स एंड वी एक्सेप्ट मिस्टेक्स। बिफोर आई आस्क अ हेल लॉट ऑफ पीपल, योर चैनल और वीडियो बेटर टेक इट डाउन। नो भाई, मेरे हेटरेड का अचार डाल। चालू एक क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेटरेड का अचार कैसे बनाते हैं। तो आज सबसे पहले एक बर्तन लो ऐसा, फिर हेटरेड लो और हेटरेड का छोटा छोटा टुकड़ा करो। मतलब याद रखो कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए। फिर वो हेटरेड को उठा के एक बर्तन में डाल दो ऐसे, और उसमें डाल दो थोड़ा सा धनिया, एक हाजमे की गोली और थोड़ा सा पानी। अब इस सबको मिक्स करो अच्छे से, और 8,500 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं आप इसको। हो गया आपका हेटरेड का अचार। थैंक यू। अब इसको करता हूँ अपलोड। हो गया। और वीडियो उतार। अबे यार, तो इतना मेहनत क्यों करवाया। तो गाइस, बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ये नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना यार, प्लीज जल्दी अभी दबा। और नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। अंटिल देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।